हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका के आरू के रिएक्शन में। मैं हूँ गदर इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ सीरीज का पार्ट नंबर 25, यानी एपिसोड 25 उसका पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। सो एपिसोड नंबर 24 के एंड में हमने देखा कि किस तरह से फाइनली प्रॉफिट यूसुफ को जंदान में भेज दिया गया और जंदान के जब हालात, जो लड़ाई झगड़े, जिस जेल में उन्हें भेजा गया था, जिस कमरे में उन्हें भेजा गया था, वहाँ पे इंसान जानवरों की तरह आपस में लड़े रहे थे, जिसमें जिसके बदले में जब उन्होंने इंटरफेयर करा, यानी प्रॉफिट यूसुफ ने जब इस चीज़ को इंटरफेयर करा, तो सज़ा के तौर पे उन्हें भी 50 कोड़े खाने पड़े। और उस एपिसोड में देखा कि मैं किस तरह से खुद को रोक नहीं पाई थी इमोशनल होने से, बिकॉज पूरे थ्रू आउट सीरीज में मैंने ये नोटिस करा कि यू नो, जिस शख्स को उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा मोहब्बत करी होगी या चाहा होगा, वही शख्स आपकी पीठ में खुरा घूमता है। और वही हुआ यहाँ पे भी, जुलेखा ने भी यही करा। जो पैतरा, जो तरीका या जो गलत फैसला जुलेखा ने करा, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और उसमें प्रॉफिट यूसुफ जिस तरह से पिस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में एक इमोशनल होने वाली चीज़ है। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रॉफिट यूसुफ अकेले जेल में बैठ के अभी भी अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे कि ज़ुलेखा और पुतिफार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और अल्लाह उन्हें माफ़ करे, क्योंकि उन्होंने भी उसे माफ़ किया। सो दिस वॉज, ये सब कहने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। अभी तक कोई रिवेंज की भावना नहीं आई है। तो उसी के साथ वो एपिसोड ख़त्म हुआ था। अब इस एपिसोड में देखते हैं कि और जंदान में बाकी के समय किस तरह से गुजरता है उनके लिए। सो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सीरीज़ बहुत अच्छे मोड पर है। अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई मस्ट से यू मस्ट वॉच दिस, क्योंकि एज एन पर्सन ऑल्सो आपको डेली लाइफ के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत ज़रूरी होता है वो। आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रन जो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आजादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, जंदान की सख्तियों और अजियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतिफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत जहमतें उठाई हैं, मैंने उन्हें माफ किया, तू भी उन्हें माफ फरमा और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा। मुझे जुलेखा से तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर मुझे वाकई देखना है कि क्या पुतिफार इस चीज़ को रियलाइज करता है कि नहीं, और जुलेखा कब रियलाइज करती है। देखा नहीं जा रहा ये वाले सीन पेड़ियों के साथ, प्रॉफिट यूसुफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा सच में। क्या तुम पहले कसरे पोतीफार के निगरान थे? तुम्हें कैसे मालूम? ये जवान तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्यों अपनी इसलाह नहीं करते हो? क्यों अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ जाते? मैं बचपन में तुम्हारी चोरी का शाहिद रहा हूं और जवानी में तुम्हारी जुल्म ज्यादती का। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो? मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारी इस कैद का बायस बना था। कस्र पुतिफार, खजाना है कस्र, कुछ याद आया? ये
कैसे भूल सकता हूँ? मैंने कसम खाई थी कि तुमसे इंतकाम लूंगा। इंतकाम लूंगा, मुझसे बच कर रहना। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। खौफ है तो इस बात का कि जिस राह पर तुम गामजन हो वहां हलाकत के सिवा कुछ नहीं। माजरा क्या है? कुछ नहीं, मेरे और नैनेफर के माजी से मुतालिक बात है। ये कौन है? इनका जुर्म क्या है? इन्हें सबसे अलग क्यों रखा गया है? पता नहीं, कल लाए गए। यकीनन इनका जुर्म संगीन होगा। इनके चेहरों से शरारत तो नहीं टपकती? हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों। बस यही एक चीज बहुत चुभ रही है। अरे बीवी बच्चों को क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाहली ना होती तो अमून होता अब तब मर चुके होते और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम अमून होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा? और तब हम आजाद हो जाएंगे, मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शहरी के जुर्म है जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे? कौन है वो? बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जो ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। My God. लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से निजात पा लूंगा। और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो। तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो। मुझे उन पर यकीन है। ऐसा होता है। पूरा भरोसा है उन पर। हाँ पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनरोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अली जनाब, अफसोस कि ना अमून होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। अली जनाब,
आप किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई। उसे तलाश करना होगा। पहले कर्स के रंजानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहाँ कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर दो। बसूरत दीगर, अगर आमून को पता चल गया कि ये इकदाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं। और अगर आपोपीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें आली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नीमी साबू, नीमी साबू। जी 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 आली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा हूँ जुजार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से किदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना, और कहना कि जुजार सिफ को नहायत अजीम व मोहतरम रखी और उम्र जिंदान की असलाहत के ज़मन में उनसे बहरमंद हों, क्योंकि वो इस कम उम्री के बावजूद नहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दानो हकीम है। जी जरूर जरूर आली जनाब, जरूर। अंदर आ जाओ। रुदम, उनको मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना।
इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामून ने यह भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। युजार सीफ, जनाब किदामून ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ नहीं सब। जनाब किदामून, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साबू, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूं। गलती कर रहे हो, मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा, सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझता था कि कसर पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि तमाम साकिनी ने कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूँ। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामून को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामून ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहमो फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामून की मोहब्बत है, अलबत्ता अगर आप इजाज़त फरमाएं तो कुछ असलाहत अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से फाइनली कैद में युजार सिफ के बाकी के दिन गुजरे और अगले दिन उनके दोस्त मिलने आए उनसे, और रुदामून ने एक खत भेजा जहाँ पे ये कहा गया कि ये संदेशा भिजवाया गया कि युजार सिफ का ध्यान रखा जाए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, और वो मैसेज पहुँचाना मुझे लगता था बहुत ज़रूरी था ताकि यहाँ के लोगों को भी, इन जेल वालों को भी पता चले कि एक्चुअली युजार सिफ किस तरह के इंसान है, बिकॉज अदरवाइज उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं होता। तो ये जो मोहब्बत, ये जो प्यार उन्हें मिल रहा है, ये मुझे उम्मीद है अब इसके बाद से कि शायद धीरे धीरे ये कैदियों में भी बदलाव आएगा, और यहाँ में भी जो ओवरऑल हम देख रहे हैं इंसानों का जो रवैया है, शायद उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है। बट जो बहुत हार्ट टचिंग था इस पूरे एपिसोड में वो था जब हम प्रॉफिट यूसुफ को इन बेड़ियों के साथ चलते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं यार, ये डिजर्विंग नहीं था, ये जो भी हुआ है ये गलत फैसला हुआ है। बानो ने जो भी फैसला किया है लोगों के भड़कावे में आके,
वो गलत फैसला ले लिया, तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है लाइफ में कि कभी भी अपने फैसले दूसरों की बदौलत नहीं लेने चाहिए, भड़क के कभी भी फैसले नहीं लेने चाहिए, रिवेंज में फैसले लेने चाहिए। तो पर्सनल लाइफ में सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड, ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप डेफिनेटली इससे लाइफ में कुछ ज़रूर सीखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन वैल्यूज पे खरी उतरूँ आगे भी। बस इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।